नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज एक बार फिर सुबह के समय आप लोगों के बीच लाइव रेट अपडेट लेकर। हालांकि आज हम सोलन मंडी कवर नहीं कर रहे हैं, हम बिलासपुर में हैं और बिलासपुर की मंडी कवर कर रहे हैं। और तो यहां के रेट अपडेट हम आपको लाइव अपडेट देंगे। इसके अलावा रेट लिस्ट आपको जो है वो रोजाना की तरह हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। सबसे पहले शुरुआत जो है वो होली से करेंगे। होली का पावन अवसर है और पूरे हिमाचल, न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज होली का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो होली की आप सभी को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर मंडी में। काफी साथी हमारे जो है वो बिलासपुर मंडी को लेकर जानना चाहते थे कि बिलासपुर की मंडी जो है वो वहाँ के कॉन्टैक्ट्स अगर आपको चाहिए, वहाँ के रेट्स आपको चाहिए थे। तो आज लाइव अपडेट लेकर हम पहुँचे हैं यहाँ पर। विनोद तोमर जी, बहुत बढ़िया सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और बिलासपुर मंडी के कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, आढ़तियों के कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लगे हैं। तो अगर आप आढ़तियों के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बिलासपुर के, तो ये नंबर भी जो है मैं साझा आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। और कितनी ये बड़ी मंडी है वो सारी जानकारी आज आपके साथ साझा करूंगा। और यहाँ के रेट अपडेट आपको लाइव अपडेट बिलासपुर मंडी के मैं आज देने जा रहा हूँ। पहले मैं बिलासपुर के बारे में आपको बता दूं कि बिलासपुर ये बिल्कुल सतलुज नदी यहाँ पर साथ में बहती है और इसी कारण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धुंध इतनी अधिक है कि मैं आसपास का इलाका भी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सब्जियों की लोडिंग अनलोडिंग का काम आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा एक खासियत इस मंडी की ये भी रहती है कि यहाँ पर ना सिर्फ सब्जियों का कारोबार होता है बल्कि मच्छी मार्केट भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि गोविंद सागर झील यहाँ पर है, सतलुज नदी है। तो यहाँ से जो है वो फिश का कारोबार, मछलियों का कारोबार भी जो है वो इस मंडी में होता है, जो कि एक नई चीज़ है इस मंडी को लेकर अगर बात करें। क्योंकि हिमाचल की अधिकतर मंडियों में जो है वो फल सब्जियों का ही कारोबार होता है, लेकिन बिलासपुर मंडी ऐसी है जहाँ पर फल सब्जियों के साथ साथ जो है वो आपका मछलियों का कारोबार भी चलता है। तो हम वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, इस मंडी को पूरी तरह से आपको दिखाने का प्रयास हमारा आज का रहेगा। तो चलिए पहले रेट अपडेट आपको बिलासपुर मंडी की देते हैं कि बिलासपुर मंडी में आज किस तरह का कारोबार चल रहा है, कितनी बड़ी मंडी है और क्या कुछ यहां पर जो है वो रोजाना सेल परचेज रहती है। तो सर स्वागत है आपका किसान न्यूज पर। नमस्कार जी, शुभ नाम सर आपका? मनोहर लाल। तो सर बिलासपुर मंडी पहले तो थोड़ा सा बताएंगे ये कितनी बड़ी मंडी है, कहाँ तक फीड करती है फल सब्जियां, कहाँ तक सप्लाई होती है? ये तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पूरे में जाती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट। कितनी पॉपुलेशन को ये मटेरियल यहाँ पे जाता होगा, पूरी मंडी का कारोबार जो रहता है? ज्यादा तो है नहीं, तो है तो ज्यादा बड़ी मंडी तो है नहीं है जी, छोटी है। क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं बिलासपुर मंडी के बारे में, हम रोजाना रेट अपडेट देते हैं बिलासपुर मंडी की। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कोई बाहर से आपसे किसान जुड़ना चाहता है, पूरा ट्रक का ट्रक लाना चाहता है, चाहे प्याज की बात करें या आलू की बात करें या बाकी सब्जियों की बात करें, तो क्या इतनी खपत है यहाँ पर? पूरी गाड़ी तो लगती नहीं, पर आगे तक सप्लाई हो जाती है इसकी जी। हाँ जी। तो सर शुरुआत हम टमाटर के साथ करेंगे। हाँ जी, हमारा टमाटर ही रहता है। हाँ, टमाटर यहाँ पे आज क्या रेट होल सेल? आज 20 से 25 बिका, 20 से 25 रुपए। हाँ जी। शिमला मिर्च बिकी अपनी 40 से 50 से 40 से 50। हाँ, और रेड येलो कैप्सिकम की अगर बात करें? कैसे? लाल पीली मिर्चें जो होती हैं? लाल पीली मिर्च तो आती नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ नहीं, नहीं सिर्फ मार्केट ही नहीं है जी। बीन? बीन बिकी आज 45-50। गाजर? गाजर बिकी 15 से 17। हाँ जी। बंद गोभी? जी बंद गोभी बिकी आपकी 10-12 रुपए। फूल गोभी 10-12। ब्रोकली बिकी 20-22 तक। हरा धनिया? धनिया बिका 20-25। लौंग को तो आता नहीं यहाँ पे। मटर बिका अपना 20-25 रुपए। हाँ जी। और लोकल जो सुंदरनगर से आया था वो बिका होगा 30 रुपए। कद्दू बिका 30-35। बैंगन है जी आपका 35-40 तक। खीरा आपका है 15-20। घिया बिका आपका 18-20 रुपए। अठारह से 20। हाँ जी। मूली बिकी आपकी 12-15। भिंडी है जी अपनी 48-50। अदरक 45-50। अरबी 28-30। तेज मिर्च? हाँ जी। तेज मिर्च भी की अपनी आज 70-80 रुपए। करेला आता है, आया भी नहीं है मार्केट में, आया नहीं अभी। नींबू बिका जी 125 से 150 तक। जिमीकंद?
जिमीकंद है जी 20 से 22 तक। पालक? पालक 10-12 रुपए। मेथी है जी? मेथी तो है नहीं, पर वैसे तो बिक रही 15-20 रुपए बिक रही है। मशरूम पैकेट बिक रहा 200 ग्राम का 22-23 रुपए। आलू बिका जी अपना 10 से 12। प्याज बिका अपना 12 से 20 रुपए तक। लहसुन 50-55 रुपए। फलों की बात करें तो अमरूद क्या रेट चल रहा है? अमरूद बिका जाए 40 से 45 तक। पपीता बिका 35-40। अंगूर बिका 50 से 70। केला बिका पेटी बिकी 425 से 450 तक। कितने इसमें? 100 पीस होता लगभग। संतरा जी? संतरा तो 50 से 70 रुपया तक। चुकंदर 15 से 20 तक। कीवी की ट्रे बिकती है 30-33 550 रुपए की। सेब बिका जी अपना 120 से 200 रुपए तक। और खरबूज और तरबूज की बात करें तो? वो तो अभी आया नहीं, अभी मार्केट में आएगा तो फिर बताएंगे। यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर अगर कोई संपर्क करना चाहता है, चाहे कोई किसान बाहर का, अगर 9860-32175। कंपनी का नाम क्या है? जीवन फ्रूट कंपनी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी जीवन फूड कंपनी के भाई हमारे, जिन्होंने हमें रेट अपडेट बिलासपुर मंडी का दिया है। आज पहली दफा जो है वो बिलासपुर जिला की मंडी को हमने लाइव आपको दिखाया है, और आप देख ही रहे यहाँ पर लोडिंग का काम चल रहा है। यहाँ से जो बिलासपुर जिला के अलग अलग हिस्सों में सब्जी आ जाती है, तो उसकी लोडिंग यहाँ पर चल रही है। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपको और भी फ्रूट जो यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का काम करते हैं, तो उनके भी हम आपको होर्डिंग्स दिखाएंगे, ताकि कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को भाई उस ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, यही अपील आप सभी साथियों से रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मंडी का, और मंडी में जो ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर यहाँ का रहता है ऑफिस का, वो भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एपीएमसी से अगर संपर्क करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो वो आप इस नंबर से ले सकते हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर काफी सब्जियां हैं, हालांकि सोलन मंडी के मुकाबले अगर बात करें तो ये मंडी जो है वो काफी छोटी मंडी है, तो यहाँ पर सोलन के मुकाबले काफी कम कारोबार होता है, क्योंकि बिलासपुर जो है वो एक छोटा जिला है। तो आपको फिश मार्केट यहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर वहां पे भी हमें कोई सेलर मिलता है तो यहाँ पर फिश मार्केट किस तरह का है, और अगर कोई काम करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अगर यहाँ पर जो है वो फिश मार्केट में कोई दिखा, क्योंकि रात के समय हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर फिश का काम चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है अभी शायद यहाँ पर जो है बंद है। तो अगर कोई होलसेलर हमें दिखता है यहाँ पर तो हम उसको बारे में भी आपको जानकारी देंगे, पर फिलहाल मुझे लगता नहीं है यहाँ पर फिश जो है, सिर्फ छोटी ही दुकानें खुली है, रिटेलर शॉप्स, होलसेलर यहाँ पर कोई भी अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर फिश का भी काफ़ी अच्छा कारोबार जो है वो चलता है, हालांकि ये अलग पोर्शन में है। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल एक अलग हिस्से में यहाँ पर जो है वो बिकती है, लेकिन फिश की बात करें तो फिश जो है वो एक अलग हिस्सा यहाँ पर इस काम के लिए रहता है। तो भाइयों एक बार फिर से आप सभी को जो है वो होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद है आज जो नज़ारा आपको हमने बिलासपुर मंडी का दिखाने का प्रयास किया है आप सभी को पसंद आया होगा। और कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने जो है वो आपको दिए हैं कुछ एक यहाँ के जो होलसेलर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में के, तो आप अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क भी इन साथियों से कर सकते हैं। तो आज नलवाड़ मेला भी आपको दिखाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि बिलासपुर में जो है वो नलवाड़ मेले की शुरुआत पिछले कल हुई है, और क्या खासियत रहती है नलवाड़, क्योंकि किसानों से जुड़ा मेला है। हालांकि अब अगर बात करें इसकी पृष्ठभूमि की तो वो बदल चुकी है, पहले जिस तरह से नलवाड़ मेला जो है वो पशुओं के लिए होता था, लेकिन अब जो है वो उसका स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने का स्वरूप जो रहता था, क्योंकि ये खास तौर पर किसानों के लिए होता था, पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता था, वैसा माहौल अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन किस तरह का मेला ये होता है वो अपडेट हम आपको जो है वो लाइव अपडेट दोपहर के समय जरूर देने का प्रयास करेंगे। और होली का जो त्यौहार है वो किस तरह से बिलासपुर जिला में मनाया जाता है उसकी भी अपडेट जो है वो आपके साथ हम इस लाइव के माध्यम से साझा करेंगे किसान न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। 4 पत्तियां।